वेल इंडिया में दोस्तों आइकू का 90 ये लॉन्च हो गया है और इसकी सेल चालू हो जाएगी 2 या 3 तारीख से, ठीक है। अब दोस्तों OnePlus का एक और स्मार्टफोन OnePlus का 10T, ये दोस्तों OnePlus का जो 10 Pro आया था ना उसको जरा सा मिक्सअप करके, कुछ बातों को बढ़ा के कुछ बातों को घटा के इसको जरा सा बजट में लाने की कोशिश की गई और एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है अभी OnePlus का 10T। लेकिन ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि इसकी प्री बुकिंग करने वाले हैं। अब प्री बुकिंग करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले से सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या क्या कैसे क्या कुछ कितना कम कितना ज्यादा यहां पर मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए एक नॉर्मल व्यूअर या फिर एक नॉर्मल कस्टमर क्या सोचेगा, भाई बिल्ड क्वालिटी डिजाइन सबको पता है, कोई घंटा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जिसको लेना है उसको लेना है, सीधी सी बात है। अब एक नॉर्मल व्यूअर, आज मैं भी अगर एक नॉर्मल कस्टमर की तरह जाता हूं दोस्तों, मैं क्या सोचूंगा यार डिस्प्ले एक जैसी आ रही है, परफॉर्मेंस एक जैसी आ रही है, कैमरा एक जैसा आ रहा है, तो आइकू को उठाऊं या फिर OnePlus को उठाऊं, क्योंकि OnePlus एक ब्रांड वैल्यू है और वीवो का एक सब ब्रांड है आईक्यू। जरा सी दोस्तों यहां पर ब्रांड वैल्यू का और फीचर्स का ना थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो पैसा लगाइए सही जगह पर। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपकी मदद करने वाला हूं दोनों स्मार्टफोन का एक फुल्ली कंपेयर करके आपको एक बढ़िया डील दिलाने के अंदर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और अनबॉक्सिंग कंपेयर गिव अवे कैमरा रिव्यू कैमरा टेस्टिंग गेमिंग टेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि और आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी लुकिंग इनसे मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पड़ता है देन आप इसकी लुकिंग के हिसाब से आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों बिल्ड क्वालिटी ये ठीक है ना, कोई लंबा चौड़ा यहां पर फर्क नहीं है दोस्तों। एक अलर्ट स्लाइडर हुआ करता था OnePlus के अंदर जरा सा इसे अलग पहचान देने के लिए, वो भी OnePlus ने यहां से रिमूव कर दिया है। तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी दोस्तों ग्लास मेटल स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आईपी रेटिंग्स के साथ में ऑडियो जैक दोनों में नहीं मिलेगा, ऐसे करते हुए काफी सॉलिड है। डिजाइन दोनों की अलग अलग है, जो आपके मन को अच्छे लगे उसे आप यहां पर उठा सकते हैं, सीधी सी बात है। अब दोस्तों सवाल आता है कि कई लोग कहते हैं ना जब आप शॉप पे जाते हैं या फिर जब ऑनलाइन सर्च करते हैं भाई दोनों के अंदर डिस्प्ले एग्जैक्ट सेम है, नहीं दोस्तों दोनों के अंदर डिस्प्ले के अंदर रात और दिन का फर्क है। कैसे, आईक्यू 90 यहाँ पे दोस्तों 6.78 इंच की फुल HD प्लस E5 AMOLED 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में 1200Hz तक इसे आप ना गेमिंग के अंदर बूस्ट अप कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टेंट TSR जो कि आपकी गेमिंग के अंदर काफी मदद करती है। बेजल चेन ये दोस्तों काफी कम है, 93% से ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं 1500 निट्स की ब्राइटनेस पीक, HDR 10+ का सपोर्ट, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, लेकिन दोस्तों ये का ना 8 बिट कलर पैनल आता है, यहां पर 10 बिट नहीं है 8 बिट आता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि डिस्प्ले के अंदर आईक्यू ने काफी तगड़ा काम किया है। आपकी एक ना कहते ना भाई पंची कलर्स के साथ में आपका मीडिया एक्सपीरियंस के अंदर मूवी देखने के अंदर एक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिल पाएगा आईक्यू 90 के अंदर डेफिनेटली। लेकिन 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 दोस्तों आप ये सोचिए कि OnePlus आपको क्या कुछ दे रहा है। देखिए OnePlus में आपको मिलती है 6.78 इंच की क्वाड HD प्लस LTPO2 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में, ये दोस्तों आईक्यू से काफी हद तक बेहतर हो गई। क्वाड HD प्लस LTPO2 की डिस्प्ले 120Hz आ गया, 360Hz की टच सैंपलिंग रेट, बेजल चेन ये दोस्तों यहां पर भी काफी कम है, 92 से ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है जो कि 92-93 घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही मैं कहूंगा कि भाई दोनों के अंदर बेजल और चेन के अंदर काफी तगड़ा काम किया है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक, 1 बिलियन कलर्स वाला पैनल और इसी साथ में दोस्तों 10 बिट पैनल है ना, तो ये दोस्तों यहां पर जरा सा इंप्रूव्ड कहूंगा मैं आईक्यू 90 से OnePlus की डिस्प्ले जरा सी बेहतर है, जहां पर फ्लूइड एमोलेड HDR 10+ का सपोर्ट, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट इसे और ज्यादा बेहतर बनाता है। क्वाड HD प्लस LTPO2 के साथ में दोस्तों एक बहुत ही क्लियर सा जवाब रहेगा मेरा, OnePlus की डिस्प्ले आपको आईक्यू से काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी दे पाएगी, दैट्स फॉर श्योर। देन हाँ दोस्तों यहां पर एक बेहतर काम किया गया है OnePlus 10T के अंदर, दैट्स फॉर श्योर।
अब दोस्तों काफी लोग कहेंगे भाई डिस्प्ले के अंदर कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन हम तो जाना चाहेंगे परफॉर्मेंस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी सिमिलर है दोनों स्मार्टफोन की। एक साथ बात करता हूं मैं, दोनों स्मार्टफोन आपको देते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen1 द 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेसर। दोनों में आपको एड्रीनो 730 मिल जाएगा गेमिंग ग्राफिक्स के लिए। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों 9 5G के बैंड्स है जो कि काफी इक्विवेलेंट है और काफी एक तगड़ा काम किया गया है। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR5 फ्रेम UFS 3.1 के साथ में। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 1 million एंटीटू बेंचमार्क मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा, और दोनों स्मार्टफोन में आपको हैप्टिक्स की अलग से मोटर मिल जाएगी जो कि हम कहते हैं ना एक्सिस मोटर, और दोनों में ही आपको दोस्तों लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको हाईएस्ट सेटिंग पर गेमिंग दी जाएगी दोस्तों, जो कि काफी तगड़ी बात है। लेकिन दोस्तों दोनों में आपको ये मिलेगा, दोनों में आपको ये मिलेगा, ये बातें उनके लिए होती है जो कि इसे फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं। मार्केट में अगर मिल जाए ऑफलाइन मार्केट के अंदर तो वहां पर आपको दुकानदार दिखाता है भाई ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। लेकिन दोस्तों इंटरनल फर्क ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए आइको का 90 ये आएगा एंड्रॉइड 12 के साथ में फनटच ओएस 12.1 जो कि अपने साथ में प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ब्लॉटवेयर, नोटिफिकेशन वाले एड्स वगैरह को कंटेन करता है। लेकिन वन प्लस ऑक्सीजन ओएस 12.1 के साथ में नीट एंड क्लीन यूआई दोस्तों, कोई तरह का ब्लॉटवेयर, कोई तरह की प्री इंस्टॉल्ड ऐप यहां पर आपको नहीं मिलेगी, एकदम साफ सुथरा सा काम OnePlus के अंदर। एक और बात दोस्तों, आइको का 90 ये कंप्लीटली गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर है ना 2 buttons को आप यहां पर सेट कर सकते हैं गेमिंग करने के लिए। हालांकि वो BGMI के अंदर काम आया करते थे, लेकिन दोस्तों BGMI तो चला गया, अगर अदर्स गेम के अंदर काम आएगा दोस्तों तो आप यहां पर देख के उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों BGMI तो बैन हो गया, आप अब कौन कौन से और गेम खेलते हैं, क्या ऐसे बड़े गेम और हैं जिन्हें आप खेलना पसंद करते हैं? दोस्तों आपके फेवरेट गेम्स का नाम जो कि आप मोबाइल के अंदर खेलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, मैं भी ट्राई करूंगा अगर कोई नया गेम होगा तो, है ना। आपका फेवरेट गेम कमेंट कीजिए। परफॉर्मेंस में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन ने काफी टक्कर का काम किया है, लेकिन कैमरा के अंदर यहां पर दोस्तों एक काफी बड़ा फर्क निकल के आता है। कैसे? IQ 90 50 megapixel का मेन सेंसर और G N5 के साथ में, जो कि आया था Vivo का X80 सीरीज के अंदर, ठीक है, 13 का अल्ट्रा वाइड और 12 का टेलीफोटो सेंसर, ठीक है दोस्तों। 4K 60fps और फ्रंट के अंदर 16 megapixel का 4K नहीं है दोस्तों FHD 30 frame per second, जो कि काफी ओके है, कोई खास बड़ा काम नहीं किया दोस्तों सेल्फी के अंदर। लेकिन रियर कैमरा 4K 60fps, इसी के साथ में दोस्तों Vivo की V1+ चिप, जो कि मैंने आपको ना X80 के अंदर आपको मैंने दिखाया था कि ये कितना तगड़ा काम करती है दोस्तों, जैसा कि Oppo Reno के अंदर मैरी सिलिकॉन चिप करती है ना, नाइट मोड के अंदर आपकी जो कैमरा क्वालिटी है उसे जरा एनहांस कर देती है, है ना दोस्तों। बिल्कुल यहां पर वैसा काम किया गया है कैमरा के अंदर दोस्तों, यहां पर कॉम्प्रोमाइज ना करके आपको Vivo का X80 Pro जो कि है स्मार्टफोन लगभग 75,000 के आसपास का, 70-75,000 का, उसकी कैमरा क्वालिटी दोस्तों यहां पर डाली गई है, दैट्स फॉर श्योर। यानी कि कैमरा के अंदर IQOO 90 ने एक बेहतर काम किया है। लेकिन दोस्तों OnePlus के अंदर 50 megapixel का मेन सेंसर, अब सेंसर कौन सा है ना दोस्तों वो फिलहाल यहां पर सामने नहीं आया है। 12 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 50,000 रुपए के फोन के अंदर 2 का मैक्रो और 2 का डेफ डालना ना एकदम बेकार बात है भाई। मैं 1% भी इसका नहीं करूंगा कि भाई यहां पर कोई अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मजबूरी थी डालना, नहीं, 50,000 की सेगमेंट में इन्हें डालना एकदम बेकार बात हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों 32 megapixel का सेल्फी कैमरा, रियर 4K 30fps, 4K 30fps, ये दोस्तों 60fps किया जा सकता था, प्रोसेसर कैपेबल है, ठीक है ना, और फ्रंट के अंदर 4K का सपोर्ट नहीं है, FHD 30 frame per second। यहां पर दोस्तों अलग से कोई चिप नहीं है, लेकिन हाँ OnePlus ये क्लेम करता है भाई नाइट मोड के अंदर और शटर स्पीड के अंदर है ना ये जरा सा इंप्रूव किया गया है। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना कैमरा की, दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा के अंदर, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों इक्विवेलेंट है या फिर दोनों ठीक ठाक से हैं, कैमरा के अंदर दोस्तों Vivo V1+ चिप के साथ में और अपना नाइट मोड वगैरह आ गया है ना 4K 60fps के साथ में, IQOO 90 ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया दोस्तों, नो कॉम्प्रोमाइज इन कैमरा, परफॉर्मेंस के साथ साथ है ना कैमरा के अंदर भी यहां पर तगड़ा काम किया गया है। ध्यान देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि OnePlus का 10 Pro उसे जरा सा कम ज्यादा करके OnePlus का 10T बना दिया, तो याद रखिए दोस्तों परफॉर्मेंस को अप कर दिया और कैमरा को डाउन करके 10T को बनाया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों डिपेंड करेगा दोनों के अंदर प्राइस क्या आती है, आपको ना ऑफर लगा के कोई सस्ता पड़ रहा है क्या, मेरे हिसाब से जो आपको सस्ता मिल जाए उसे आप यहां पर उठा सकते हैं। दोनों के अंदर दोस्तों बड़ा दिन और रात का कोई भी फर्क नहीं है,
छोटे छोटे फर्क थे दोस्तों, अगर आपके लिए मायने रखते हैं देन आपके लिए स्मार्टफोन की चॉइस यहां पर चेंज हो सकती है। दोनों ही स्मार्टफोन हमें पहले से पता था कि दोनों ने काफी सिमिलर काम किया है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या थे, छोटे छोटे अंतर, वो मैंने दोस्तों यहां पर शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी काफी हेल्प हो चुकी है स्मार्टफोन को प्री बुकिंग करने के अंदर, कौन सा करना है, ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी कोई सवाल है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, रिप्लाई आपको वहां पे जरूर से मिल जाएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।